हमीरपुर शहर के सौंदर्यीकरण के लिए सरकार के द्वारा बरसात प्रयास किए जा रहे हैं। ये बात हमीरपुर के विधायक नरेंद्र ठाकुर ने बस अड्डे के साथ खोखा मार्केट के निरीक्षण के समय कही। नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि सरकार के द्वारा हर वर्ग का ख्याल रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमीरपुर बस अड्डे के सामने खोखा मार्केट के बन जाने से बस स्टैंड के पास खाली जमीन पर दीवार लगाकर पार्किंग बनाई जाएगी, साथ ही टैक्सी स्टैंड के लिए भी कुछ स्थान यहां पर चिन्हित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बस स्टैंड के सामने से खोखों के हट जाने से यातायात की समस्या से भी निजात मिलेगी। सभी को पता है कि हम एक नई मार्केट डेवलप करने जा रहे हैं और आगे वाले खोखे जो पीछे ऑलरेडी बने खोखे हैं वहाँ आगे रिटेनिंग वाल देखिए तो बड़ी जगह बढ़ा रहे हैं और साथ में हमारे साथ टैक्सी वाले भी हैं की प्रॉब्लम है। हम ये देख रहे हैं कि मार्केट के साथ साथ टैक्सी वालों की कहाँ बढ़िया ढंग से एडजस्टमेंट हो सकती है। इस बारे में एक्शन हमारे साथ थे, इसके बारे में स्पॉट विजिट की है और मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में यहाँ एक छोटा मोटा टैक्सी स्टैंड भी बनेगा और मार्केट भी हमीरपुर शहर के लिए बहुत बढ़िया बनेगी। इस बारे में हम जरा स्पॉट विजिट कर रहे थे।